नमस्कार, आज हम देखेंगे फिश करी। बहुत टाइप की फिश करी होती है, लेकिन आज हम बनाएंगे बांगड़ा फिश करी। बहुत टेस्टी होती है ये खाने के लिए और बहुत झट से बन जाती है ये, और बहुत आसान भी है। इसके लिए हमें चाहिए बांगड़ा फिश, जो हमने कट कर लिए है पीसेस में और धो लिया है इसे अच्छे से हमने, और कद्दूकस किया हुआ है, बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और धनिया, ये हम चारों पीस लेंगे एक साथ। अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये है कोकम है खटास के लिए, ये है कश्मीरी मिर्च का पेस्ट है कलर के लिए, करी पत्ता, नमक, गार्निशिंग के लिए धनिया, और थोड़ी खटास के लिए, इसे कोकम से खटास कम आएगी इसलिए खटास के लिए आधा नींबू। तो हम पहले मसाला प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके लिए चाहिए हमें, जो हमने कोकोनट कद्दूकस कर लिया है वो कोकोनट, प्याज, जरूरी नहीं है कि प्याज आप इतना बारीक ही काटे, मोटा काट लेंगे तो भी चलता है, क्योंकि ये पीसना है हमें, बहुत महीन पीस बनानी है एकदम पतली। ये चार हरी मिर्च और धनिया, ये हम एकदम बारीक पीस लेंगे। एकदम बारीक पीस लिया है हमने ये मसाला, और हम तड़का लगाएंगे, गैस ऑन करेंगे, डालेंगे तेल, ज्यादा तेल की जरूरत नहीं है क्योंकि फिश में ऑलरेडी तेल रहता है, इसलिए ज्यादा तेल की जरूरत नहीं होती। करी पत्ता, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर लगभग 1.5 चम्मच, हल्दी पाउडर, गैस थोड़ा कम कर लेंगे नहीं तो मसाला जल जाएगा, पिसा हुआ जो लाल मिर्ची का पेस्ट किया है वो, और इसमें डालेंगे पिसा हुआ मसाला, इसे भून लेंगे इसे। और इसमें डालेंगे पानी, गैस को जरा बड़ा कर लेंगे, इसे जरा एक उबाल आने तक वेट करेंगे हम। हमारे करी को अच्छे से उबाल आया है, अब हम इसमें डालेंगे नमक और कोकम जो खटास के लिए हमने लिया है, और बांगड़ा इसमें, ये अभी बांगड़ा 7 मिनट के लिए हम ऐसे ही रखेंगे ताकि वो अच्छे से पक जाए, और 7 मिनट के बाद इसमें थोड़ा सा नींबू, आधा नींबू का रस डालेंगे, और गार्निशिंग के लिए धनिया डालेंगे,
हमारी बंगड़ा करी तैयार है। इसमें हम जो आधा नींबू है वो निचोड़ेंगे और थोड़ा सा धनिया। करी तैयार है हमारी, अब गैस ऑफ कर लेंगे हम और सर्विंग बाउल में निकालेंगे।